हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद फरहत। आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ चिकन की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन पहाड़ी कबाब। इसे मैं बनाऊंगी विदाउट ओवन और बहुत ही इजी रेसिपी है, टेस्टी रेसिपी है। तो आप इसे एज ए स्टार्टर बना सकते हैं या मेन कोर्स में भी इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना इसे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को हम यहाँ लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हम अपने मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़ी इलायची, दो यहाँ पे मैंने लिया है छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा मैंने लिया है जावित्री का टुकड़ा, चार लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें, एक छोटे चम्मच यहाँ मैंने लिया है जीरा। अब इन मसालों को हम थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक इससे अच्छे से खुशबू नहीं आने लगती। हमारे सारे मसाले यहाँ अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, गैस को हम यहाँ ऑफ कर लेते हैं। इन मसालों को हम डाल देंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम 2 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 7 से 8 काजू और यहाँ पे मैंने लिया है 1 मुट्ठी धनिया पत्ते। अगर आपको पुदीना का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। हमें पानी बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करके इसे पेस्ट बनाना है। इसका पेस्ट हमारा यहाँ पे तैयार है, ये देखिए, इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन और इस तरह से मैंने क्यूब्स में इसे कट किया है। तो सबसे पहले हम चिकन को पहला मैरिनेशन देंगे। तो यहाँ पे पहले मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है नींबू, तो यहाँ नींबू हम डालेंगे इसमें 1 छोटे चम्मच, 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ 10 मिनट हो चुका है और हमारा पहला मैरिनेशन हो चुका है। अब चिकन को हम दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और दबा दबा के इस तरह से हम चिकन का पानी निकाल लेंगे जो भी फर्स्ट मैरिनेशन से निकला है। इसमें अब हम ऐड कर लेंगे हमने जो मसाला बनाकर तैयार किया था, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच हंकर्ड। आधा चम्मच ऐड करेंगे हम नमक, 1/2 चम्मच ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1.5 छोटे चम्मच हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे भुने चने का बेसन या सत्तू भी इसे कहते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 1 टेबलस्पून बेसन को ड्राई रोस्ट करके इसमें ऐड कर लें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच। इस तरह से हम इसे क्रश कर लेंगे हाथों से, ऐड कर लेंगे इसमें और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसे अब हम रख देंगे 1/2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में ताकि हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चिकन हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का एक वुडन स्क्यूअर्स और इसे मैंने 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा था ताकि कबाब बनाने टाइम ये जले ना। तो अपने चिकन पीसेस को हम इसमें इस तरह से डाल लेंगे और इसी तरह से सारे पीसेस हम अरेंज करते जाएंगे। तरह से हम सारे पीसेस अरेंज कर लेंगे स्क्यूअर्स पर। यहाँ पे मैंने लिया है ग्रिल पैन और इसे हम रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर और इसमें हम ऐड करेंगे बटर। और बटर के साथ मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड किया है।
स्प्रेड कर देंगे इसे चारों तरफ हम। अगर ग्रिल पैन ना हो तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से ये तवे पे भी बहुत अच्छे से बन जाता है। अब इसमें हम रख देंगे अपने कबाब के स्टिक्स को। और इसे लो फ्लेम पे ही हमें कुक करना है, हर तरफ से पलट कर, ताकि हमारा कबाब अच्छे से सिक जाए। किनारों से थोड़ा थोड़ा बटर और ऑयल लेके हम इसके ऊपर भी ब्रश कर लेंगे। हर तरफ से इसे हमें पलट पलट कर कुक करना है, थोड़े थोड़े देर पे इसे हम पलटते जाएंगे। कबाब हमारा यहाँ रेडी हो चुका है, हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोल का स्मोक भी दे सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ, ऐसे भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी सा पहाड़ी चिकन कबाब यहाँ रेडी है, और मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी है अंदर से। ये देखिए, देख सकते हैं आप। टेस्टी सी कबाब की रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।